नमस्कार, आज मैं मूली का पराठा बनाने जा रही हूँ। मूली का पराठा सर्दियों में काफी स्वाद लगता है और हर कोई इसे पसंद करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूली का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटा लिया है मैंने, एक कटोरी आटा लिया है, और अजवाइन आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, अमचूर पाउडर आधा चम्मच, बारीक अदरक और हरी मिर्च मैंने काट ली है बारीक बारीक, छोटा सा टुकड़ा अदरक का और एक हरी मिर्च मैंने काटी है, और दो मूली मैंने ली है, हरा धनिया थोड़ा सा, लगभग 3-4 बड़े चम्मच मैंने काट लिए हैं बारीक बारीक, और ये घी लिया है मैंने एक बड़ा चम्मच, ये देसी घी लिया है मैंने, आप चाहें तो तेल यूज़ कर सकते हैं इसके जगह, और नमक टू टेस्ट और लाल मिर्च ये भी स्वाद के अनुसार लेंगे, और तेल पराठे बनाने के लिए, और पानी थोड़ा सा अगर डो बनाने में ज़रूरत पड़ी तो। शुरू करते हैं, सबसे पहले मूली को छीलेंगे, सबसे पहले मूली को छील लेंगे, दोनों किनारे इसके काट लें, और चाहे तो चाकू से या पीलर से इसको छील लें। ये मूली को छील लिया हमने, अब एक बॉल में इसको ग्रेट करेंगे, एक ग्रेटर ले लें और इसको ग्रेट करेंगे। इस तरीके से इसको ग्रेट करना है अच्छे से। ये लीजिए, मूली हमने ग्रेट कर ली है, और इसके बाद में बारी आती है इसका पानी निकालने की। तो पानी कैसे निकालेंगे इसका, एक कपड़ा लेंगे, कोई भी पतला कपड़ा आप ले लें, किचन टॉवल ले लें या मसलिन क्लॉथ आपके पास हो तो वो ले लें, ये किचन टॉवल है मेरे पास। एक बॉल के ऊपर इसको रखेंगे, और ये सारा जो हमने ग्रेट किया है मूली को, इसको रख देंगे इसके ऊपर। पानी इसलिए निकाल रहे हैं ताकि बनाने में आसानी हो, क्योंकि फिर स्टफिंग करते टाइम अगर पानी इसमें होगा तो अच्छे से हम स्टफ नहीं कर पाएंगे इसको। इस तरीके से कपड़ा आप कोई भी ले सकते हैं जिसका कलर ना निकले, कोई भी पतला कपड़ा, और इस तरीके से इसको ऊपर पकड़ लें, एक पोटली जैसे बना लें, और ये देखिए हाथ से फिर थोड़ा सा दबा के और पानी इसका निकालेंगे हम अच्छे से, जैसे घिया के कोफ्ते बनाते हैं उसी तरह से इसको बनाएंगे हम, क्योंकि इसमें पानी कुछ ज़्यादा ही होता है, तो पानी इसका हम डो बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे, फेंके नहीं पानी को, पानी का भी यूज़ करेंगे। ये देखिए हाथ से दबाते रहे इसको, ये एक हाथ से दबाते रहे, एक हाथ से ऊपर पकड़ते रहे इसकी पोटली बना के, और धीरे धीरे इसको निचोड़ लेना है अच्छे से। सारा पानी इसका हमने निकाल दिया, लीजिए पानी इसका निकल गया, पानी फेंकना नहीं है, पानी यूज करेंगे हम, और इसका क्या हाल है ये देखते हैं। ये देखिए एक बॉल जैसे बन गई है, पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है इसमें, सारा इसको हम झाड़ लेंगे, और इसके बाद में बारी आती है इसमें, ये पानी साइड में रख देंगे इसका, इसके बाद में इसमें डालेंगे अजवाइन, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, बारीक कटी अदरक और हरी मिर्च, और हरा धनिया, इसके बाद में थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें, हरी मिर्च भी डालनी है तो लाल मिर्च थोड़ा संभल के डालें, अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अब इसको मिक्स करेंगे हाथ से ही, स्टफिंग हमारी तैयार है, साइड पे कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स करके, साइड पे रखेंगे तब तक हम डो बनाएंगे। लीजिए तैयार है हमारी स्टफिंग, इसको साइड पे रखते हैं, स्टफिंग को निकाल लेंगे एक कटोरी में, और इसी में हम डो बना लेंगे अपना, अलग से बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब सबसे पहले डालेंगे इसमें आटा, गेहूं का आटा मैंने लिया है, और नमक स्वाद अनुसार आधा चम्मच से कम मैं ले रही हूँ 1/4, और ये घी मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह तेल ले सकते हैं,
और घी डालने के बाद ये जो पानी है, मूली का पानी जो हमने निकाला था निचोड़ के, उसको भी इसके अंदर डालेंगे, फेंकेंगे नहीं। और अब अच्छे से हाथ से इसको बाइंड करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा सादा पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालें पानी, एकदम से ज़्यादा ना डालें, वही जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं उसी तरीके से बनेगा, सेम वैसा ही, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा सॉफ्ट। अच्छे से पहले बाइंड करें, उसके बाद में मुट्ठी इस तरीके से बंद करके नोक करें जैसे आटे को हम करते हैं, अच्छे से नोक करें। जितना नोक करेंगे उतना आटा हमारा सॉफ्ट बनेगा और उतने पराठे हमारे अच्छे बनेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, चारों तरफ से आटे को पकड़ के इस तरीके से सारा आटा हम इसमें ले लेंगे। और देखिए इकट्ठा हो गया, थोड़ा सा नोक करेंगे इसको और कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको रेस्ट देंगे। फिर लीजिए डो तैयार है हमारा, ढक देंगे इसको, प्लेट से ढक दें या कपड़े से आप ढक दें। लीजिए 5 से 7 मिनट इसको रेस्ट देंगे और फिर बनाएंगे। शुरू करते हैं, गैस ऑन करेंगे। ये देखिए आटा तैयार हो गया, गैस ऑन करते हैं और अपना तवा या पैन जिससे आप बनाना चाहें, और एक चकला बेलन लेंगे उससे बनाएंगे। थोड़ा सा आटा मैंने डस्टिंग के लिए लिया है, सूखा आटा। तो शुरू करते हैं, पेड़े बनाएंगे। छोटे अमरूद के साइज मैंने पेड़ा लिया है और इसको गोल गोल करेंगे पहले दोनों हथेली से प्रेस करके, और गोल करेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और फिर थोड़ा बेल लेंगे इसको, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, बस पूरी के जैसा थोड़ा सा बेलना है। इसके बाद में इसमें स्टफिंग भरेंगे, जो हमारी स्टफिंग है इस तरीके से इसमें थोड़ा सा होल बना लें। और अब इसमें भरेंगे स्टफिंग, एक चम्मच ले लें। ये देखिए पानी नहीं है इसमें, इसलिए आप कितनी भी स्टफिंग इसमें भर सकते हैं, ये बाहर नहीं निकलेगी और पानी भी बाहर नहीं निकलेगा। स्टफिंग इसमें भर दी, उसके बाद में थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और अब अंगूठे से ऐसे दबा दबा के इसको नीचे, और ये पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए सील करना है एकदम इसको, अच्छे से दबा के सील कर दें इसको। ये देखिए अब थोड़ा सूखा आटा लगा के और इसको बेल लेंगे। धीरे धीरे गोल करें इसको, धीरे धीरे घुमाते हुए गोल करें। आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सूखा आटा लगा सकते हैं आप। ये देखिए पलट पलट के गोल कर लें इसको। डालते हैं इसको, तवा हमारा गरम हो चुका है और डालेंगे। सीखने देते हैं, थोड़ा सीख जाएगा, उसके बाद हम इसको पलट देंगे। तब तक दूसरा बनाते हैं। पेड़ा लेंगे उतने ही साइज का, ये दोनों हथेली से करेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लेके पूरी के जैसा पहले बेल लेंगे इसको। बस इसके बाद में भरेंगे इसमें स्टफिंग, उंगली से हल्का सा दबा के और स्टफिंग भरेंगे इसमें। और थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और फिर से ऐसे ही दबा दबा के अंगूठे से, और लीजिए इसको भी सील कर देंगे और अपने परौंठे का संभालेंगे जो हमने तवे के ऊपर डाला है उसको। एक साइड से सीख गया होगा, ये देखिए
इसको पलट देंगे। ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये ब्राउन से स्पॉट आ गए हैं, मतलब एक साइड से सिक चुका है। थोड़ा सा तेल इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर चुपड़ देंगे चम्मच से। देखिए, और अब दूसरी तरफ से भी सिक गया होगा तो पलट देंगे और दूसरी तरफ भी तेल लगाएंगे। ये देखिए दोनों तरफ से इसी तरह से तेल लगाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया पराठा हमारा सिका है, एकदम क्रिस्पी। जब तक ये सिकता है इसको बेल लेंगे। और अगर आपको लगे कि बेलने में थोड़ा टाइम है और कहीं वो जल ना जाए तो आप गैस को कम कर सकते हैं थोड़ा। इसी तरीके से इसको बेल लेंगे। पलट पलट के अच्छे से सेकना है इसको। और निकाल देंगे एक प्लेट में इसको, ये सिक चुका है अच्छे से, इसको निकाल देंगे एक प्लेट में। और दूसरा डालते हैं, ये लीजिए। अब इसको भी सेक लेंगे और इसी तरह से बाकी परोठे हम अपने बना लेंगे। लीजिए तैयार है हमारे मूली के पराठे, मक्खन के साथ, दही के साथ या अचार के साथ आप सर्व कर सकते हैं। इंजॉय करें।